как? Патан? Ты? Это не Ибара, кекло той милеги. Ты? Ты? Не дега. Не дега. Не дега рук. छोटी ठाकुर चलो यहां से बाहर चलो बाहर चलो यहां से पतंग दे दे पतंग ठाकुर हमको पतंग चाहिए पतंग दे हमको पतंग दे पतंग दे छोटी ठाकुर दादी बाकी है पागल लाली लाली काहे चिल्लाते रहते हैं वो सब हम बाद में बताएंगे तुमको जाओ राम सर ले जाओ अंदर हाँ हाँ बबू हाँ हम है ना हाँ बबू कहाँ है लाग बिठा दिए देखो भाई हम कहाँ किए अपने हाथ से हम नाली मिटा दिए देखो 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 ये है ना नहीं वो धुल गया मिट गया सुनो हमारी बात सुनो तुम दोबारा लिख दो ये देखो दोबारा लिखो ना दोबारा लिखो ठहरो 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 लाली ना लाली अभी दोबारा लिख जाएगी देखो ये लो बाबू दोबारा दोबारा लिखो 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 देखो देखो लाली लिख गई ना लाली आ आ इधर आओ लिख गई हाँ हाँ हमने बात मार दिया बाबू देखो अभी अभी ना जरा जरा दूध पी लो दूध पी ले बाबू नहीं पी ले दी लाली भेजी है लाली ने भेजी लाली भेजी है लाली भेजी कितने सारे बातें हैं आओ हम दोनों बैठ के करते हैं लाली के बारे में हाँ ले मैं दूध
दूध पिएगी तो हमारी मीनू रानी झकझक गोरी हो जाएगी। क्या हुआ? हमें नहीं पीना। बाकी मीनू अगर तू दूध से ऐसे नहीं नहीं रहने दो, अब हमें पापा की तरह पाठ मत पढ़ाओ कि दूध कितना अच्छा होता है। अच्छा लो पी लेते हैं। महाराज अभी तो सारा खाना बनाए थे, फिर अब क्या बना रही हो? अच्छा पापा के लिए कोनो खास सब्जी बना रही हो? कह देती तो ये भी महाराज जी ही बना देते, खुद से बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसे आपके पास कोनो कम काम है का? तू नहीं समझेगी, छोटी है ना अभी। हम सब समझते हैं। उका कहते हैं हाँ, पति परमेश्वर को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाने का मजा कुछ और है। बाप रे, कहाँ से सीखी ये सब? टीवी पे देखा था, सारी औरतें ये कहती रहती हैं। माँ से मजाक करेगी? ठहर भी बताते मीनू। कर लिया। अब बता, मार खाएगी ना? अच्छा ये बता, हम तुमसे प्यार नहीं करते? तुमको अगर कुछ खाने में अच्छा लगेगा तो हम तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे का? मालूम है बनाओगी। बाकी पापा भी बहुत अजीब है, घर में चाहे कुछ जो खाना बनाओ उनको हर दिन एक खास सब्जी है, और वो भी उनके अपने टाइम पे। आज बुध को भिंडी, कल कुछ और, इतना सब कुछ आपको याद कैसे रहता है? कहे कि हम याद रखना चाहते हैं, ये तो आदमी के बस में रहता है कि उका याद रखे और कब भूल जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे समझ में नहीं आएगी, हम चलते हैं। ये बात तो सही है कि सब चीज इंसान के बस में रहता है। हमरी पिछली जिंदगी में कहा था, हम कितना भी याद करना चाहे कुछ जो काहे नहीं याद आता। आज हर चीज हमको याद रहती, पिछली जिंदगी के बारे में कुछ काहे याद नहीं आता। का कुछ वहां ऐसा भी था जो हम याद करना नहीं चाहते? हमारे बेटुआ को हम नींद के गोली देके सुला रहे हैं। अपना बच्चा का खातिर एगो माँ ही ऐसा कर सकती है सुमित्रा। माँ की ममता में बहुत ताकत होती है। अब मर्दन के पास शरीर की ताकत होती है सुमित्रा, लेकिन माँ की ममता के सामने मर्दन की ताकत नील बटा नील। हमरा बबुआ होश में आता हमको पहचानता नहीं है। बबुआ मैया, ओकरी खोज खबर बस तुम्ही से मिलती है। आज देख लो बबुआ मैया, हम ओकरे पास हैं, लेकिन ओकरे साथ नहीं है। खाली आपे बाप बेटे की बात नहीं है, हमार बबुआ और ओकरे बेटे को देखो।
आप तो आपके बेटे को पहचान लेते हो, लेकिन लेकिन ये बाप बेटे तो एक दूसरे को पहचानते नहीं, समझते भी नहीं है एक दूसरे के रिश्ते को। मामी, एम्बुलेंस ले आए। मधुर, बबुआ जाग जाएगा तो एक रेखा दिल परेशान हो जाएगा, मांगेगा दे देना, संभाल कर, संभाल कर दे देना, सब संभाल कर। शांत हो जाइए। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? अकरम, 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 शांत हो जाइए। मैं डॉक्टर हूँ। आप अकरम हैं, हम डॉक्टर शैलेंद्र हैं। हम आपका इलाज कर रहे हैं। हम चाहते थे कि आपकी आवाज लौट आए, आप बोल पाए। अकरम, आप बोल रहे हैं? मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया डॉक्टर। बच्चे को मार दिया डॉक्टर साहब। पेशेंट को एडमिट करना था। पेशेंट का नाम? ठाकुर शेखर सिंह। ठाकुर शेखर सिंह, चेक करो ठाकुर शेखर सिंह। एक मिनट। आप ये स्लिप लीजिए और इनके साथ चले जाइए, जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद आपको बेड नंबर बता दिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए। Thank you.
चलिए। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? जरा शांत हो जाइए। हम बिल्कुल शांत हैं बाबा भैया, हमको कुछ नहीं हुआ। अरे हमें क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हे बबक भैया जी, वो लाली के तस्वीर से इहार फिर से कहे गिर गया। इतने बरस में ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा संकेत है? अरे यही तो हम कह रहा हूँ बाबा भैया, शुभ संकेत है, हमने देखा। अरे जो कभी हवेलिया में हुआ नहीं, इतने सालों में वो होने जा रहा। अरे शुभ संकेत है बाबा भैया, बिछड़े मिल जाएंगे, बिछड़े मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब किधर है? वो एक पेशेंट को देखने गए हैं। आप उनके कमरे में बैठिए, मैं भी बुला कर लाती हूँ।